नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सैनी एजुकेशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम आपके लिए लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड डेडिकेटेड क्लास लेकर आए हैं। विद्युत धारा से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंदर ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल्स कवर अप करेंगे, और ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपको लैब असिस्टेंट की बेस्ट बुक चाहिए तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 एम्पियर धारा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड किसी चालक के काट क्षेत्र से गुजरेंगे। अब सबसे पहले हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें इस क्वेश्चंस के अंदर दी हुई है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें आई इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 एम्पियर, राइट। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर। प्रति सेकंड का मतलब है हमें टाइम भी दिया हुआ है, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये दोनों वैल्यू हमें दी हुई है। अब हमें कौन सा फॉर्मूला इसका आई का पता है कि आई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टी, राइट। आई की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। टी की वैल्यू भी हमें 1 दी हुई है, यानी पूरे जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर अपन क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। अब हमें पता है क्यू इक्वल्स टू होता है एन ई, तो एन ई की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 1 होगी। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन काट क्षेत्र से गुजरेंगे। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1 अपॉन ई, और ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर बता सकते हो, हम आपके लिए वो उसका जो है वो हल दोबारा से आपको बताएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश क्यों कूलाम में है दिया हुआ है। हमें का मान है निम्नानुसार है, ये मान हमें इसका दिया हुआ है कि क्यू इज इक्वल्स टू 4t³ + 5t + 6। तो टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो हमें किसका मान ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। हमें पता है धारा का मान आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अगर अपन धारा में परिवर्तन की बात करें डी की, तो डी आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, राइट। डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू रखते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी है, 4t³ + 5t + 6 अपॉन डी टी, राइट। हमने क्यू की जगह क्यू की वैल्यू रख दी। अब हमें पता है इसका अवकलन करेंगे हम टी के सापेक्ष, तो हमारे पास आ जाएगा 12t² + 5। इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12t² + 5। अब हमें टी इक्वल्स टू 1 सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपन टी की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 12 और 5 इसके जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 17 एम्पियर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 5 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की दुगुनी कर दी जाती है, तो तार का नवीन प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ तार की लंबाई में परिवर्तन किया जाता है या किसी चीज़ में भी परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में एक बात हमेशा याद रखना कि दोनों कंडीशन में जब उनका आयतन जो होगा वो हमेशा बराबर होगा, दोनों कंडीशन में उनका आयतन बराबर होगा। तो हम सबसे पहले इसकी प्रारंभिक लंबाई एल मान लेते हैं और इसका जो क्षेत्रफल है वो ए मान लेते हैं, राइट। ये दो चीज़ हमने मान ली। अब हम दूसरी कंडीशन में बात करते हैं, तो दूसरी कंडीशन में अपन एल डेस मान लेते हैं और ए डेस मान लेते हैं, राइट। अब एक चीज़ देखना कि दोनों का आयतन, आयतन क्या होता है, उसका क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो यानी कि दोनों का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू एल डेस ए डेस, राइट। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी प्रारंभिक लंबाई जो उसकी खींचकर है वो प्रारंभिक लंबाई की दुगुनी कर दी जाती है, यानी जो एल डेस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक लंबाई की दुगुनी मीन्स टू से 2L हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एल ए बराबर क्या आ जाएगा, 2L a डेस, राइट। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो a डेस की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, a/2 आ जाएगी। एक तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है कि a डेस की वैल्यू कितनी है, a/2 है।
अब हम दोनों कंडीशन में आर इज इक्वल्स टू रो एल अपोन ए ज्ञात करेंगे। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपोन ए होता है, हमें क्या ज्ञात करना है, उसका नवीन प्रतिरोध ही तो ज्ञात करना है, तो ये तो उसका प्रारंभिक प्रतिरोध था, राइट। अब हम ज्ञात करते हैं नवीन प्रतिरोध मिनस टू से आर डेस। आर डेस होगा रो एल डेस अपॉन ए डेस, एल डेस की वैल्यू कितनी है 2L और ए डेस की वैल्यू कितनी है ए बाई टू है ना। तो आर डेस इज इक्वल्स टू क्या जाएगा रो एल, एल की वैल्यू कितनी है, एल डेस की वैल्यू कितनी है 2L और इसकी वैल्यू कितनी है ए इंटू में 2, तो ये कितना जाएगा 4, ये कितना जाएगा आर डेस बराबर 4 रो एल अपॉन ए। ये वाली जो वैल्यू है ये आर की वैल्यू है, तो आर डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4R, और आर की जो वैल्यू है वो 5 ओम हमें दिया हुआ है, यानी आर डेस की वैल्यू बराबर आ जाएगी 5 × 4, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 ओम आ जाएगी। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक धातु के तार की लंबाई एल मीटर और काट क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर है। अब हमें ज्ञात करना है कि तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले वाली जो कंडीशन है वो सारी कंडीशन हमें सेम दी हुई है, मीन्स टू से हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एल डेस की वैल्यू आ जाएगी 2L और जो ए डेस की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास a/2। ये दोनों चीज़ें हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो पहले वाले कंडीशन है वहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे आगे की होगी कि आर डेस बराबर क्या आएगा 4 रो एल अपॉन ए और इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी आर होगी, यानी आर डेस की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 4R होगी। पहले कितनी थी आर, फिर कितनी हुई 4R। अब हमें इसमें याद रखना है, इसमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत में ज्ञात करना है तो इसका प्रतिशत निकालेंगे। अब हो गई 4R, पहले कितनी थी आर इंटू में, पहले वाले कंडीशन के आधार पर ये अपन इसको निकालेंगे तो आर इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 3R/R इंटू में 100। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 300% इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक विद्युत मोटर 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 2 एम्पियर धारा लेती है तो मोटर की शक्ति ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पी इज इक्वल्स टू होता है वी इंटू आई, वी की वैल्यू है 220 इंटू में आ जाएगा 2 और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 440 वोट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वोल्ट अंकित है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दो वैल्यूज़ दी हुई है, एक तो वी की वैल्यू दी हुई है और एक पी की वैल्यू दी हुई है, दोनों वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है और हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। अभी हमें पता है कि पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक फॉर्मूला होता है वो पी इजिकल्स टू वी आई से अपन निकाल सकते हैं, जो ऊपर पिछले क्वेश्चंस में हमने जो फॉर्मूला यूज़ लिया था उसी फॉर्मूले से हम जो है वो ये निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। अब हमें वी स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है और हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो पी की वैल्यू भी दी हुई है, तो यहाँ से अपन आर की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी, आर इजिकल्स टू आएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर यानी 220 स्क्वायर निकालेंगे तो आर इजिकल्स टू 220 इंटू 220 अपॉन पी, पी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 100, तो यहाँ से दो बिंदी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 484 ओम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मोटर की शक्ति 0.5 हॉर्स पावर है और यह 220 वोल्ट की लाइन से कितनी धारा लेगी। याद रखना एक हॉर्स पावर में 746 वोट होता है, तो इसको अपन अगर वोट में चेंज करेंगे तो 0.5 इंटू 746, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 373, यानी कि सबसे पहले हमने इसको वोट में कन्वर्ट कर लिया इसकी शक्ति को, तो हमें पी की वैल्यू दी हुई है 373 और वी की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट, हमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली हमने पहले क्वेश्चन में ज्ञात किया था आई इक्वल्स टू होता है हमारे पास पी अपॉन वी, उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे 373/220, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.7 एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट 5 एम्पीयर की सप्लाई पर कितने 100 वोल्ट के बल्ब जोड़े जाते हैं। हमारे पास P की वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू दी हुई है, V की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि P इज इक्वल्स टू होता है N इंटू 100, N इंटू 100, राइट।
तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि पी इक्वल्स टू होता है एन इंटू हंड्रेड, और पी की वैल्यू वी आई भी होती है, ठीक है। यहाँ पे अपन इधर रखते हैं 100 इंटू एन, और यहाँ पर वी की वैल्यू हमें दी हुई है 220, और इंटू में दिया हुआ है 5। अब हमें इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से जो ये इस 100 को इधर भेज के और इस एन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास एन इज इक्वल्स टू आ जाएगा 220 इंटू 5 अपॉन में 100, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 11 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारे पास 11 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम तथा 30 ओम के दो प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आपको पता है कि 1/R इज इक्वल्स टू होता है 1/R1 + 1/R2। तो इस क्वेश्चन से हम जो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/10 + 1/30, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 15, नहीं सॉरी 15 नहीं, इसकी जो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आएगा वो आएगा 7.5 ओम, राइट। अब हमें ज्ञात करना है कि 15 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर 30 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें I2 का मान निकालना है, राइट। हमें किसका मान निकालना है? I2 का मान निकालना है, यानी कि ये वाला जो तुल्य प्रतिरोध है ना, ये वाला तुल्य प्रतिरोध केवल इसके अंदर ही, फिर एक अलग क्वेश्चन पुटअप हो गया, ये वाला तुल्य प्रतिरोध हमारे अगले अगले वाले पार्ट में नहीं काम आएगा, राइट। तो हमें अगले वाले क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि 15 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर 30 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करो। तो हमारे पास वी की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, आई इज इक्वल टू होता है V/R, वी की वैल्यू हमारे पास है 15 और आर की वैल्यू है 30, तो हमारे पास आ जाएगी 0.5 एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 10 ओम तथा 20 ओम के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 30 वोल्ट के एक विद्युत स्रोत से लगा दिया जाता है, तो 20 ओम के प्रतिरोध तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमें श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध हम सिंपली निकाल लेंगे, 10 + 20 = 30 ओम आ जाएगा, राइट। अब हम इसके अंदर जो हमें ऊपर कंडीशन दी हुई है 30 वोल्ट की, और उस जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध है, इन दोनों कंडीशन से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? आई की वैल्यू निकालेंगे। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? V/R। वी की वैल्यू हमारे पास है 30, और आई की सॉरी आर की वैल्यू भी हमारे पास 30 है, तो जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 1 एम्पियर आ जाएगी, राइट। अब हम दूसरी कंडीशन से इसका विभवांतर निकालेंगे, 20 ओम से, इस वाले 20 ओम से, और हमारे पास जो आई की वैल्यू 1 एम्पियर आई है उससे, तो जो V2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी दूसरा जो आएगा वो आएगा आई इंटू R2 जो हमें दिया हुआ है, R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20, और I की वैल्यू कितनी है? 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास कितना जाएगा? 20 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में प्रतिरोध 9 ओम है तथा समांतर क्रम में प्रतिरोध 2 ओम है, तो उनके प्रतिरोध ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। श्रेणी क्रम में 9 ओम है, मीन्स टू से R1 + R2 की वैल्यू हमारे पास 9 ओम दे रखी है। एक इक्वेशन तो ये आएगी हमारे पास, राइट। दूसरी इक्वेशन आएगी 1/R1 + 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/2। एक इक्वेशन ये आएगी। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू वो आएगी वो इसमें आंसर में दी हुई है, आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हो। 6 ओम और 3 ओम इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब की एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है तथा उससे 150 ml एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करो। इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हो, तो वी इज इक्वल्स टू होता है E - IR। ये विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है। इसमें हमें ई की वैल्यू भी दी हुई है, आई की वैल्यू भी दी हुई है, और आर की वैल्यू भी दी हुई है। तीनों वैल्यू हम पुटअप करेंगे, तो वी इज इक्वल्स टू हमारे पास, वी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2.0। ये 20 वोल्ट नहीं है, सॉरी, ये जो ये वैल्यू है वो 2.0 है, याद रखना।
तो हमारे पास ई की वैल्यू दी हुई है 2.0, और जो हमारे पास है आई की वैल्यू दी हुई है वो 150 ml, और आर की जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास वो दी हुई है ml में दिया हुआ है। तो ये 10^-3 से गुणा होगा और इंटू में 2 आ जाएगा, और इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू है वो पुट अप, जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 1.7 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, राइट, यानी ई की वैल्यू दे दी है हमें 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, राइट, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो ये वाला भी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, I = E/, जब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दे दिए तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है I = E/R + r। कैपिटल आर जो होता है वो बाह्य प्रतिरोध होता है, और जो स्मॉल आर होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। इसके अंदर एक कंडीशन और भी दी हुई है, इस क्वेश्चन में हमें अधिकतम धारा एक वर्ड यूज लिया गया है। तो जहाँ कहीं भी अधिकतम धारा वर्ड ऐसे क्वेश्चन में यूज लिया जाए तो उसका मतलब होता है कि जो आर होता है बाह्य प्रतिरोध होता है उसकी वैल्यू जो हमेशा 0 होती है। तो इसके अंदर जो नया फॉर्मूला बन के आएगा वो हमारे पास ये बन के आएगा I = E/r, राइट। ई की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, और आर की वैल्यू हमें 0.4 दी हुई है। दोनों को अपन सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 एम्पियर, राइट। अगला क्वेश्चन है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, विद्युत वाहक बल ई की वैल्यू दी हुई है और आंतरिक प्रतिरोध में उसे स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बैंड है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? तो इसके अंदर हमें दो चीज़ पूछ रखी है, एक तो विद्युत वाहक बल पूछ रखा है और एक टर्मिनल वोल्टता पूछ रखी है। तो इसके अंदर हमें जो हमने ऊपर वाला फॉर्मूला काम लिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला हम इसमें काम में लेंगे। कौन सा फॉर्मूला? E = होता है I R + r, राइट, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर हमें I की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.5। कैपिटल R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, राइट, और हमें स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई है 3। तो इसके अंदर हमें कैपिटल आर की वैल्यू याद करनी है, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा, E/I - r। इसका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। इन तीनों की जो वैल्यूज है वो हमें दी हुई है क्वेश्चंस में, और यहाँ से अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें टर्मिनल वोल्टता पूछा है, तो टर्मिनल वोल्टता अगले वाले पार्ट में हमें टर्मिनल वोल्टता पूछी है, तो V = IR से हम अगले वाला पार्ट निकाल सकते हैं। R का मान हम पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं और I का मान हमें दिया हुआ है, तो इस हिसाब से अपन इसकी जो है वो टर्मिनल वोल्टता भी निकाल सकते हैं, वो हमारे पास 8.5 वोल्ट आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर लंबे एवं 6×10^-7 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तार की उपेक्षणीय धारा प्रवाहित होती है और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है, तो प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जो है वो इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, R = ρL/A। R = क्या हो जाएगा, ρL/A। रो की वैल्यू भी दी हुई है हमें, आर एल की वैल्यू भी दी हुई है, और ए की वैल्यू भी दी हुई है। सारे जो वैल्यू जो वो पुट अप करके हम इसका मान निकालेंगे, और इसका मान जो है वो 2×10^-7 ओम/मीटर आ जाएगा। तो ये थे आज की अपनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल विद्युत धारा से संबंधित। इस बार इसी में से जो है वो पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है, तो हम आपके लिए एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते आज वीडियो देख आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।